समंदरी तूफान वाइपर जॉय ने शिद्दत इख्तियार कर ली। तूफान कराची के जनूब से 707 किलोमीटर दूर। कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी। माहीगिरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। शहर कायद के साहिल पर दफा 144 नाफिज। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बहरा अरब में वाइपर जॉय इंतहाई ताकतवर समंदरी तूफान बन चुका है। 150 से 107 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। लहरें 40 फीट बुलंद हैं। कराची बदीन थरपारकर सजावल में 13 जून को मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अंदरून सिंध में आंधी और बारिश का इम्कान। शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध की साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। साहली इलाकों के इजला के इंतजामिया अलर्ट है। वजीर आला ने सरकारी मुलाजमीन को इजला से बाहर ना जाने की हिदायत कर दी है। कमिश्नर कराची का बिल बोर्ड और साइन बोर्ड समेत इश्तिहारी मवाद हटाने का हुक्म। भारत की साहली रियासतों में भी अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने कयामत ढा दी। हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 34 अफराद जां बहक, 150 से जायद जख्मी। बन्नू, लकी मरवत, कर्क, डीआई खान और टांक में बारिश। जालाबारी और आंधी से तबाही। नशेबी इलाके से रियाब, देपालपुर और गिरदोनवा में तूफानी बारिश। बिजली की फरहमी मअत्तल। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं पाक अफवाज और पीडीएमए की इमदादी कार्रवाइयाँ काबिले तहसीन हैं। जां बहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब आवाम को रिलीफ देने का वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं सियासी मसाइल की परवाह किए बगैर मुल्की माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए सख्त फैसले किए। हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया, महंगाई को कम करने की कोशिश की। वजीर आजम की जेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में अहम मुशावरती बैठक। बजट, महंगाई और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। विफाकी वुजरा और मरियम नवाज की शिरकत। मुस्लिम लीग नून आज शुजाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी, तैयारियां जारी। नायब सदर मरियम नवाज कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मैं 2001 से चला गया हूँ पहाड़ों पे, जरूर कुछ हालत की वजह से। फिर 2015 पे सिलेंडर हो चुका हूँ, कौमी अंधारे पे शामिल हो चुका हूँ। जो गवर्नमेंट का यानी कि सिलेंडरी का ये ऐलान हो गया था, फिर हम लोग आए पाकिस्तान के दायरे में शामिल हुए और उसके बाद अपना जींद यहाँ पे कुछ अरसे हमने क्वेटे में गुजारे, उसके बाद फिर शिफ्ट हो गए कोलू बलूचिस्तान। मुल्क को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने दलदल से निकालने में मदद की। कलदम बीएलए के साबिक सरगर्म कारकुन फरक शेर मरी और जावेद मरी का पैगाम, कहा अच्छी जिंदगी की तरफ लौट आए हैं, पाकिस्तान ही सब कुछ है। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद हथियार डाल दें। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। मुल्क गिर रेड लाइन पाकिस्तान मुहिम का ऐलान कर दिया। अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। आईनी तौर पर हुकूमत को 6 माह तक तौसी देने की गुंजाइश है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा असम्बली और हुकूमत की मुद्दत में तौसी की हिमायत करूंगा। जहांगीर तरीन की जमात में जाने का इम्कान नहीं। बहुत पहले ही चेयरमैन पीटीआई को पहचान चुके थे जिसने बुजदार को वजीर आला लगाया। फराह खान के कहने पर मामला चलाए, उसने मुल्क की क्या खिदमत करनी है। चौदह खरब का बजट, 7 खरब का खसारा कहां से पूरा होगा। शफाफ इलेक्शन होंगे तो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। शेख रशीद कहते हैं आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस जरदारी शरीफ और फजलुर रहमान के खानदान का मसला नहीं, बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का एजेंडा है। शहबाज शरीफ ने नाकामी का एतराफ किया तो लेकिन आने वाली हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी। ये इलेक्शन में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज का एहतजाजी मार्च इसलिए मुनक्किद किया जा रहा है कि कराची में इंतखाबात पर और कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। यहाँ जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। ये अहले कराची की तरफ से रेफरेंडम होगा इस बात का कि हमें मैंडेट पर कब्जा कबूल नहीं है।
ये कराची के मैंडेट का मसला है, मैंडेट पर कब्जा करने नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वाजे कर दिया, कहा हमारे पास धांधली के सबूत मौजूद हैं, यहाँ जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है, अक्सरियत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारे मार्च में अहले कराची शामिल होंगे, आज शारे कायदीन पर भरपूर एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान के मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी मंजूर, डिप्टी मेयर के उम्मीदवार काजी सैयद सजुद्दीन और सैफुद्दीन के कागजात भी मंजूर। इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा, चाहे वो इंतजामिया हो या पुलिस हो, वो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, असरअंदाज नहीं करेगी। हम ताबे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकाम के हवाले से और हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है सही अंदाज से हो जाए। अवाम का मैंडेट आ चुका, हमें मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, जाती तशहीर नहीं, लोगों के काम आना चाहिए। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, कहा शहर के मसाइल हल करने की जरूरत है, कराची में बेहतरी का सफर पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का एजेंडा है। पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होगा। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला मुराद के कागजात नामजदगी मंजूर। ये बिल्कुल फजूल बजट पेश किया गया है, क्योंकि ये किसी का ही अखराजात पूरे नहीं हो रहे इसमें, क्योंकि दोबारा हमें बजट चाहिए। बजट अवाम दोस्त कहाँ हैं, ये तो हुकूमत ने अपने लिए बजट दिया है। अब सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहें 35% बढ़ा दी गई हैं, तो आम मजदूर कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। 70 सालों से यही कुछ ही होता जा रहा है कि आम आवाम सिर्फ वोट डाले और लॉलीपॉप ले ले और घर बैठ जाए। विफाकी बजट तो आ गया, लेकिन सब्जियों और फलों की कीमतें कम ना हो सकी। बेशतर अशिया आवाम की दस्तरस से बाहर, बजट से आवाम की वाबस्ता उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। महंगाई में कमी लाने के लिए इकदाम ना होने पर शहरी हुकूमत से नाला। कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हादसे से बाल बाल बच गई। घोटकी रेलवे स्टेशन पर इंजन पटरी से उतर गया, बोगियों को मुतासर इंजन से अलग कर दिया गया, ट्रैक बहाल। कराची के इलाके डिफेंस में के इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन में आग लग गई, ग्रिड स्टेशन को डाउन कर दिया गया, मुरम्मती काम जारी। निगरा वजीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, तामीराती सरगर्मियों को तेजी से जारी रखने की हिदायत। करतारपुर में 1947 में बिछड़े एक और खानदान का मिलाप, सियालकोट के मुश्ताक अहमद की फुफ्फो जात गुरमीत कौर और प्रताप सिंह से मुलाकात, जज्बाती मनाजिर देखने में आए, राबता सोशल मीडिया के जरिए हुआ। और ईद उल अज़हा की आमद आमद, कराची में 5 टांगों वाला बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया, दूर दूर से लोग बैल को देखने पहुंच गए, लोगों ने सेल्फियां भी बनाई।